तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टॉप मॉडल N10 है, बट एक्चुअली N10 में नहीं मिलता। सावधान रहे, सतर्क रहे। नमस्कार दोस्तों, इंजन विद हिवीज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट क्षितिज द्विवेदी। ये है मेरी महिंद्रा बुलेरो नियो N10 ऑप्शनल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। इसके ऊपर कोई भी वेरिएंट नहीं आता और इसके नीचे आता है N10। N10O में क्या ऑप्शन था कि यहाँ पे मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल आपको इनबिल्ट दे दिया जाता था। आज आपको मैं गाड़ी दिखाने वाला हूँ, फ्रंट से, साइड से, रियर से, इंटीरियर से, और बताऊंगा इसी के बारे में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। ये गाड़ी मैंने अराउंड 31 जनवरी को खरीदी थी। तो ये जो है पुराने लोगों के साथ आती थी। तो रेडिएटर ग्रिल जो है आपको पूरा क्रोम के साथ मिलता था, 6 वर्टिकल स्लैट्स और बीच में महिंद्रा का पुराना वाला लोगो, और ये ऊपर वाला हिस्सा भी क्रोम का मिलता था। और काफ़ी ये ना एक बोल्ड लुकिंग SUV इसको बना देती है। अब आ जाते हैं इसके हेडलैम्प्स की तरफ। तो आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं यहाँ पे, और ऊपर ना DRL भी दिए हुए हैं। इस तरफ पे स्टैटिक बेंडिंग लैम्प दिया है, और ये है टर्न इंडिकेटर। ये पूरा आपको इसका हेलोजन का सेटअप मिलता है। यहाँ पे पार्किंग लाइट नहीं दी गई है, उसकी जगह स्टैटिक बेंडिंग लैम्प दिया है। लेकिन अगर आप पास जाके देखोगे तो ये देखिए, आपको यहाँ पे LED DRL दिए, बहुत शानदार लगते हैं, और फॉग लैम्प भी। अच्छा थ्रो और स्प्रेड है गाड़ी के लाइट्स का, आप देख सकते हो सबूत के तौर पे। TUV का फेस लिफ्ट है, बट इसमें जो पूरा लुक किया है वो बुलेरो वाला ही किया है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको S10 जैसे जो आपको फॉग लैम्प मिलते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जो अब आपको स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में मिलते हैं। बाकी मैंने ना एज एन एक्सेसरी ये ABS गार्ड लगवाया था, जो मुझे फ्री दिया था डीलरशिप ने। ऊपर आपको एंटीना भी दिया गया है, नॉर्मल वाइपर मिलते हैं, और थोड़ा सा टेपर जो है डिजाइन मिलता है अगर बुलेरो से कंपेयर करें रेगुलर बुलेरो से। साइड से ये बैटल टैंक की तरह दिखती है, और इसमें स्कॉर्पियो की 3rd Gen चेसी का भी उपयोग है। जब इसको बुलेरो नियो करा गया तो इसमें बीडिंग ऐड करी गई। यहाँ पे पहले रूफ रेल भी दिया जाता था, लेकिन अब वो नहीं आता बुलेरो नियो के टाइम से। साइड में आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है, 15 इंच के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं, जो काफ़ी सटल लुकिंग है लेकिन अच्छे लगते हैं। बीच में महिंद्रा का पुराना वाला लोगो है, अब तो नया वाला लोगो आने लगा है। पूरे व्हील आर्च से लेकर के साइड में क्लैडिंग मिलती है, यही आपको सामने भी मिलती है, और यही आपको पीछे वाले भी नीचे बम्पर में मिल जाती है। इसके साथ फुट स्टेप यहाँ पे दिया गया है। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का मिलता है। 3995 mm की इसकी लेंथ है। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है। आगे के व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं ABS विथ ABD के साथ में। फेंडर पे आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर ऑरेंज लेंस के साथ मिलता है। बॉडी कलर ORVM देखने के लिए मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फंक्शन के साथ आते हैं। फोल्ड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, बिल्कुल स्कॉर्पियो जैसे सेम है। यहाँ पे आपको अनपेंटेड डोर हैंडल देखने के लिए मिलते हैं, इससे सिमिलैरिटी के लिए ये चीज करी गई है। नीचे जो आपको अलग बीडिंग लग रही है, ये मैंने एज एन एक्सेसरी लगवाई है। लुक्स आर सब्जेक्टिव, किसी को पसंद आ सकते हैं, किसी को नहीं पसंद आते। बी पिलर, सी पिलर में आपको ब्लैक आउट मिल जाते हैं, ए पिलर बॉडी कलर मिलता है। बाकी कैरेक्टर लाइन यहाँ पे बेहतरीन दी है, कट्स वगैरह जो ग्रुप्स वगैरह हैं। चलते हैं पीछे की तरफ। सो पीछे ना कुछ इस तरीके का लुक मिलता है। यहाँ पे स्पॉइलर आपको मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो है वो यहाँ पे LED वाला दिया है। विंडस्क्रीन में वॉशर, वाइपर, डिफॉगर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें स्पेयर व्हील कवर का, तो जो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है उसमें बॉडी कलर नहीं आता, डार्क ग्रे फिनिश में आता है बुलेरो बैजिंग के साथ। और ये आपको महिंद्रा का अब नया वाला लोगो मिलता है, पहले यही वाला मिला करता था। इसके अलावा यहाँ पे बुलेरो नियो मेंशन है, ये डोर हैंडल जिसको आप खोल सकते हो। वेरिएंट है N10O, पर N10 ही बस लिखा है। इसके अलावा ये हिस्सा YT मिलता है, TUV में ब्लैक मिला करता था। यहाँ पे ये लंबे वाले टेल लैंप मिलते हैं फुल रेड लेंस के साथ में, ये रिवर्स लैंप, और ये आपका टर्न इंडिकेटर। काफी खूबसूरत टेल लाइट लगती है ये जब आप देखते हो। नीचे दो रिफ्लेक्टर हैं,
दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की वजह से दो ही कर दिए गए, पहले साइड में भी मिला करते थे। कैमरा आप यहाँ पे एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हो। फुट स्टेप आपको पीछे भी चढ़ने के लिए मिल जाते हैं, बिकॉज साइड फेसिंग सीट है। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी बोलेरो नियो में मिल जाती है। चाबी की बात करें तो कुछ इस तरीके की मिलती है, फ्लिप की दी है रिमोट के साथ में। पीछे महिंद्रा का पुराना वाला लोगो है, लेकिन अब नया मिलता है कार्बन फाइबर फिनिश के साथ में। यहाँ से आप गाड़ी को लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, और सर्च बटन दिए जिससे आप गाड़ी को सर्च कर सकते हो, साउंड ऑन करने सर्च कर सकते हो। तो काफ़ी प्रीमियम की है, फ्लिप की दी है यहाँ पे। ये देखिए, ये है डीजल, ये है एडब्लू उर्फ डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड फिलर, और ये बेडिंग इसमें भी शामिल। MLD ना इसका प्लस पॉइंट है, जो एक सेमी 4x4 की तरह काम करता है बुलेरो नियो के N10 ऑप्शन में। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टॉप मॉडल N10 है, बट टॉप मॉडल N10 वो है, N10 जो है वो सेकेंड टॉप मॉडल है। अब अंदर चलते हैं और आपको अंदर से गाड़ी दिखाते हैं। नाउ अब आपको दिखा देता हूँ मैं गाड़ी का इंटीरियर। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम थीम दी है ना, वो है इसकी बेज की। सिर्फ डैशबोर्ड में आपको दो कॉम्बिनेशन मिलता है, ब्लैक और बेज का। डोर ट्रिम इसका पूरा जो है वो बेज फिनिश में दिया है, और प्रीमियमनेस के लिए ग्रैब हैंडल सिल्वर फिनिश में दिया है। इसकी सराउंडिंग जो हैंडल की है उसमें भी आपको सिल्वर दिया है, और ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हार्ड प्लास्टिक के हैंडल मिल जाते हैं। इसके अलावा बॉटल होल्डर बड़ा सा दिया है। गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर्स हैं और 2 ट्विटर्स दिए हुए हैं। ये अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल नहीं दिए हैं, पीछे में सारे दिए हैं, बट पीछे वालों के लिए आपको यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल भी मिल जाते हैं, तो ये आसानी हो जाती है। ना आप अगर सीट कवर इसके देखोगे ना, तो ये मैंने बिल्कुल इसके इंटीरियर से मैचिंग लगवाया है। ये भी बेज कलर में है, पूरा जो थीम है इंटीरियर का वो भी बेज कलर में, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है गाड़ी का। ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है, और रिक्लाइन मिलता है, और स्लाइड के लिए ना आपको एक थोड़ा सा मॉडर्न मैकेनिज्म मिलता है। जनरली लिवर जो है पूरा रहता है, बट इसमें सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे कोई भी डेड पेडल नहीं है, लेकिन हाँ एक्सेलरेटर क्लच और ब्रेक पेडल जो है वो जितना होना चाहिए उतने ही हैं, बोलेरो में ज़्यादा उठे रहते हैं। नाउ इस साइड देखोगे आप तो यहाँ पे आपको मिरर एडजस्टमेंट कंट्रोल्स मिलते हैं, और इधर से बीम लेवल एडजस्टमेंट, इको मोड इस गाड़ी में दिया है, डिफॉगर ऑन करने का बटन यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम के लिए दिया है। सिल्वर फिनिश के साथ आपको एसी के वेंट्स मिलते हैं जो थोड़ा सा प्रीमियम लुक देते हैं। क्रोम वेंट नॉब मिल जाते हैं, बीच में भी यही है सिल्वर फिनिश और क्रोम वेंट नॉब। नाउ स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो सिल्वर फिनिश के साथ आपको स्पोक्स मिलता है, प्रीमियम लगता है। बीच में महिंद्रा का पुराना लोगो है, अब नया आ जाता है। क्रूज कंट्रोल इधर पे मिलते हैं, और इस साइड पे ऑडियो फोन ब्लूटूथ कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कवर लगाया गया है। इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको जैसा बेस मॉडल में मिलता है वैसे ही टॉप मॉडल में मिलता है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, छोटा सा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप ए सी, टाइम, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये मिल जाता है। स्पीडोमीटर डिजिटल मिलता है, वार्निंग मिलती है कोई भी अगर आई है। सेटिंग्स में जाकर आप डिफरेंट सेटिंग परफॉर्म कर सकते हो। नेसेसरी सारी वार्निंग लाइट्स देखने के लिए मिलती है, सिंपल है। बट हाँ एक चीज आपको मैं दिखा दूं, जब आप चाबी बंद करते हो तो समरी दिखाता है। ये देखिएगा आप जो इसका स्टार्टअप है ना बुलेरो नियो एनिमेशन के साथ, ये बहुत शानदार लगता है। विजिबिलिटी की ये भी गाड़ी रानी है। इसका जो आपको कमांड पोजीशन मिलती है वो बिल्कुल स्कॉर्पियो जैसी मिलती है। ये थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। दोनों एज बोनट के इजिली विजिबल हो जाते हैं, और ये आपके हेडलैम्प स्टॉक है जिसमें की फॉग लैम्प भी शामिल है, और ये आपके वाइपर है जिसमें कि आपको पीछे वाले वाइपर का भी कंट्रोल मिलता है। ओके
और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। एक चीज अच्छी लगी कि बुलेरो में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता टिल्ट एडजस्टमेंट स्टीयरिंग व्हील पे या टेलीस्कोपी, इस पे आपको एडजस्टमेंट मिलता है, हाँ सिर्फ टिल्ट मिलता है। हार्ड प्लास्टिक का पूरा यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। एक रिसेस मिलती है जिसमें आप पॉड आइडल वगैरह अपनी प्लेस कर सकते हो। ये इनने लगा दिया था पहले, तो नहीं तो निकालते नहीं बना मेरे से, तो मैं इसी में लगाता। ऊपर तरफ चलोगे ड्राइवर साइड सनवाइजर में टिकट होल्डर मिल जाता है, को ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर मिल जाता है। ये वाले जो कैबिन लैंप है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज ये आपको फ्लेक्सिबल मिलते हैं, मूवेबल रहते हैं ये, और तीन मिलते हैं, एक ये, एक ये, एक ये। बाकी N8 वेरिएंट देखोगे, N4 वेरिएंट देखोगे तो ये वाले आपको नहीं मिलेंगे। एंटी ग्लेयर आपको यहाँ पे डे नाइट फीचर के साथ IRVM मिल जाते हैं। बीच में चले तो दो AC के वेंट्स है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब आपको मैं एक अंतर बता देता हूँ, सबसे बड़ा N10 और N10 ऑप्शन में। N10 में आपको कैनवुड का सिस्टम मिलता है इन्फोटेनमेंट वाला, N10 ऑप्शन में आपको रेगुलर 7 इंच का महिंद्रा का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो ज्यादा अच्छा फंक्शंस के साथ आता है। ये बटन्स हैं क्रोम, यहाँ पे आपको फिनिशिंग मिल जाती है, रेडियो, फोन इन्फो में आपको फ्यूल इन्फो यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता है, अलर्ट्स यहाँ पे भी देखने के लिए मिलते हैं, DRL ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ई मैनुअल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम इंट्रोडक्शन वगैरह सब बताएगा। इसका वीडियो मैंने पूरा डिटेल बनाया हुआ है। इक्वलाइजर, होम, ये सारे फंक्शनैलिटी यहाँ पे मिल जाती हैं। सिस्टम में जाके टाइम, डेट, लैंग्वेज, ये सारी चीजें आप चेंज वेंज कर सकते हो, फोन उठा सकते हो, फोन काट सकते हो। यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट हो जाती है, यहाँ से आपकी रेडियो की फ्रिक्वेंसी कम ज्यादा हो जाती है। काफी फंक्शनल है, बट ये अब आपको N10 में नहीं मिलता। इसमें आपका कैमरा भी लग जाता है आसानी से एज एन एक्सेसरी, इसी में आ जाएगा। ये हजार्ड लैम्प बटन है, पूरी यहाँ पे सराउंडिंग सिल्वर फिनिश में दी है और पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में ये दिया है। AC के कंट्रोल्स यहाँ पे मैनुअल देखने के लिए मिलते हैं, पर क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ से टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, यहाँ से फैन की स्पीड कम ज्यादा होती है, यहाँ से आपकी पोजीशन वेंट की चेंज हो जाती है। AC इकोनॉमी मोड का बटन, रिसर्कुलेशन बटन मिल जाता है, और यहाँ पे 12 वोल्ट का DC सॉकेट भी देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ USB Type-A का पोर्ट, और यहाँ पे मिलता है एक ऑक्स पोर्ट। ये भी सराउंडिंग गियर वाली पियानो ब्लैक फिनिश में है। एक ट्रे मिलती है जिसपे आप अपना सामान सिक्के वगैरह रख सकते हो, खनखनाएंगे नहीं। ये है इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स सिल्वर फिनिश के साथ, और बाकी लेदर रैपिंग देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। तो ये काफी अच्छी क्वालिटी का दिया है। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्पेस है, सारे पावर विंडो जो हैं आपके यहाँ पे लोकेटेड दिए हैं। क्रोम के साथ आपको पार्किंग ब्रेक लीवर यहाँ पे मिल जाता है, और काफी सॉलिड क्वालिटी का है, अच्छा दिख रहा है। 3 cup holder यहाँ पे दिए हैं और आर्मरेस्ट भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ठीक है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स आपके इस ग्लव बॉक्स में आ जाते हैं। ये जो है डुअल टोन फिनिश काफी अच्छा लगता है। सेफ्टी के पर्पज से आपको 1 airbag यहाँ पे, दूसरा एयरबैग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सारी क्वालिटी अच्छी है, प्रीमियम इटालियन मटेरियल का यहाँ पे सब कुछ दिया है। नाउ पीछे की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे भी 2 adjustable हेडरेस्ट मिलते हैं, आगे भी 2 adjustable हेडरेस्ट मिलते हैं, बट एक चीज अच्छी है कि आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे कोई भी कप होल्डर नहीं दिया है, लेकिन हाँ अच्छी पोजीशन पे हैंग है ये, मतलब जिस पोजीशन पे होना चाहिए उसी पोजीशन पे। कवर बहुत शानदार लग रहा है, मैंने लगवाया था। ये है इसका पूरा आगे का लुक जो काफी शानदार लगता है, बिकॉज ये जो इटालियन क्वालिटी वाले आपको पूरे प्लास्टिक्स मिलते हैं, थीम मिलता है ना, ये काफी एक लग्जूरियस फील होता है।
यहाँ पे चाहते तो एक 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट दे सकते थे पर नहीं दिए गए। इस गाड़ी का सबसे सेकंड रो की अच्छी बात मुझे क्या लगती है, ये अंडर थाई सपोर्ट, साइड साइड और बीच वाला सेम थाई सपोर्ट कैरी करता है, तो बीच में आराम से एक बंदा बैठ सकता है। और लगभग आपको फ्लैट फ्लोर ही मिलता है, ट्रांसमिशन टनल का हम्प जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं दिया है। रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तब भी। बाकी फिक्स्ड ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिल जाते हैं और पीछे भी कैबिन लैंप मिलता है, ये डोर हैंडल जिसको खोल सकते हो पकड़ करके। नाउ थर्ड रो में चलें तो थर्ड रो में काफी कम चौड़ी सीट्स हैं, लेकिन थर्ड रो की विंडो खुल जाती है इतनी। ये चीज मुझे यूनिक लगती है गाड़ियों में जो स्कॉर्पियो आती है और बुलेरो नहीं आती है। यहाँ पे भी एक ग्रैब हैंडल मिलता है पकड़ के चढ़ने के लिए, कैबिन लैंप मैंने पहले ही बता दिया। लिप जो है लगेज लिप वो नीचे है तो आपका सामान काफी आ जाता है इसमें, लेकिन हाँ दो बंदे यहाँ पे नहीं बैठ सकते, मेरे जैसे तो एक बंदा भी नहीं बैठ पाएगा। ओके तो ये है बुलेरो नियो N10O का एक वीडियो जो आप लोग चाहते थे मैं आपको दूं। बाकी टेल गेट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का मिलता है, गत्ता यहाँ पे दिया है, ये आपके डोर हैंडल ग्रैब हैंडल। पहले अपन इसका ना बोनट खोल लेते हैं। सो ये है इसका 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर BS6 M-Hawk डीजल इंजन जो कि अराउंड 100 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 270 या 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये है आपका यहाँ से इंजन ऑयल डलता है, ये है DPF बिकॉज इस गाड़ी में है BS6 सिस्टम। तो ये है थोड़ा बहुत इंजन ओवरव्यू, ऊपर इंसुलेशन बेहतरीन दिया है। अब BS6 गाड़ियों में सबसे बड़ी चीज रहती है ना कि इसका आपको रीजनरेशन करना इम्पोर्टेंट होता है, या तो आप 60 km/h की स्पीड से गाड़ी चलाओ हाईवे पे, या तो फिर खड़ी गाड़ी में आप अपना रीजनरेशन परफॉर्म कर लो। तो ये था पूरा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको दिखाया बुलेरो न्यू N10 ऑप्शन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग सो पेशेंसली एंड बाय।